मोती। अच्छा क्या है इस विद्यालय में, क्या बनाया है आपने? विद्यालय में जो बाहर से लोग आए हुए हैं, उनके लिए बेड तैयार किए गए हैं। किसी को अगर कोई थोड़ी भी दिक्कत हो तो यहाँ पे 14 दिन के लिए इसे रखा जाएगा। ये कौन सी बीमारी है? ये कोरोना वायरस है। तो आपने कितने लोगों की यहाँ व्यवस्था की है फैलाव में? है जितने भी लोग जैसे भी आ जाएंगे सबके लिए व्यवस्था, सबके लिए। अच्छा और खाने के लिए क्या व्यवस्था है? खाने के लिए जो भोजन होगा शाकाहारी, सब शाकाहारी भोजन जो बढ़िया बनाएगा, सबसे बढ़िया खाना बनाएगा। आप ग्राम सभा के कौन हो? मैं ग्राम सभा का प्रधानपति हूँ। और क्या क्या तैयारी यहाँ व्यवस्था लेकर? व्यवस्था को लेकर सब गांव में अलर्ट कर दिया गया है, सब लोग अपने अपने घरों में रहें, और जैसे भी जिसको भी जानकारी हो कि कोई बाहर से आया है वो तत्काल हमसे संपर्क करे, वो हमें जानकारी दे जिससे हम उसका उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग को सच। अभी तक अपने गांव क्षेत्र में कहीं कोई की संदिग्ध व्यक्ति पा गया इसके बीमारी चलते? नहीं अभी तो कोई नहीं गया। जैसे बाहर से कोई लोग आ रहे हैं तो आप उनको क्या दे रहा, उनको स्वास्थ्य दिखा रहे हो हॉस्पिटल में कि सीधे घर पर बुला रहे हो? अभी तो ऐसा है, अभी व्यवस्था हुई है आज से कल से, अब जो भी पहले आ गए उसको स्वास्थ्य विभाग को हमने दे दिया है, लिखित में दे दी, सूची पहुँचा दी है कि ये लोग हमारे यहाँ आए हुए हैं, कम से कम 60 लोगों की सूची दे दी है। सूचना भी तो कोई नहीं पाया है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।